कि कितना भी अच्छा आप ड्राइवर बन जाओगे ना मेरे भाई, यहाँ पे मतलब कोई ती लोग को भरोसा नहीं रहता है। अब उनको भरोसा, जैसे आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो आप लोगों का पैसा नाजायज ना जाए दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था कि अगर किसी भाई को भी वीजे की ज़रूरत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों। तो वो वीज़ा कौन सा था दोस्तों, मैं ये भी बताया था कि हाउस ड्राइवर का वीज़ा है मेरे पास, और अगर किसी को भी चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है दोस्तों। बस शर्त ये है कि बंदा रिटेन होना चाहिए, उसके पास में गल्फ़ का लाइसेंस होना चाहिए दोस्तों। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था। बहुत सारे भाई लोग का हमारे कमेंट आ रहा था कि भाई मुझे भी वीज़ा चाहिए, और कोई बोल रहा था मुझे टेलर का वीज़ा चाहिए, कोई बोल रहा था मुझे हाउस ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। तो भाई मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मेरे पास जो है हाउस ड्राइवर का वीज़ा ज़्यादा आता है, और रहेगी अदर जॉब की भी, जैसे अदर काम का वीज़ा, जैसे कि किसी का कमेंट आ रहा था सिलाई का, किसी का कमेंट आ रहा था टैक्सी ड्राइवर, किसी का कमेंट आ रहा था टेलर गाड़ी चलाने का। दोस्तों एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा कि वो भी वीज़ा मतलब मेरे पास अवेलेबल नहीं रहता है, लेकिन हाँ मेरे नज़र में दो तीन ऑफिस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं दोस्तों, और वो बहुत ही लो प्राइस में काम करके दे देते हैं दोस्तों। मैं बताना चाहूँगा कि मतलब बहुत ही अच्छे पैसे में मतलब वो काम करवा देते हैं दोस्तों, और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है दोस्तों। ऐसे ही हम भाइयों को पता नहीं होता है, ज़्यादातर पता नहीं होता है, किससे भी संपर्क कर लेते हैं कि कैसे भी एजेंट, कैसे भी दलालों के चक्कर में आ जाते हैं दोस्तों, फिर थोड़ा बहुत पैसे पे कर देते हैं, उसके बाद में कुछ ज़्यादा ही डिमांड आने लगती है पैसों की। तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे ही मतलब दलालों से मैं बार बार यही बोलूँगा, मेरे मुँह से दलाल ही निकल रहा है दोस्तों, क्योंकि मेरे साथ में मतलब यार हो चुका है भाई, मेरे साथ में फ्रॉड हो चुका है, मेरे से मतलब मेरे जेब से ज़्यादा पैसे गए हैं, और ज़्यादा पैसे जाने के बाद में मुझे जो इस्तीफा हुआ उस इस्तीफाक पे भी मैं मेरे साथ में नहीं हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताया ही था कि मुझे 140 पे इस्तीफाक होने के बाद में 120 मिल रहा है दोस्तों। खैर कोई बात नहीं, मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे भाई जो हमसे जुड़ रहे हैं, जो भी हमसे जुड़ रहे हैं 100-120 लोग जो भी हमसे जुड़ चुके हैं, और मेरे दूसरे चैनल पे भी कम से कम 500 लोग जुड़ चुके हैं दोस्तों, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि जो मेरी फैमिली है, जैसे आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, तो आप लोगों का पैसा नाजायज ना जाए दोस्तों, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो मैं वो ऑफिस का नंबर भी दे दूंगा दोस्तों, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है दोस्तों, और बहुत ही कम प्राइस में काम करके देते हैं दोस्तों, यानी आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कहेंगे तो मैं उनका नंबर प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। और दूसरी चीज, एक भाई का कमेंट बार बार आ रहा है कि भाई मतलब मुझे थोड़ा बहुत ही मुझे ड्राइवर का काम आता है, और कुवैत में मैं आ सकता हूँ, मुझे वहाँ मतलब लोग कहते हैं कि बहुत आसान है गाड़ी चलाना। तो भाई मैं उस कमेंट का जवाब इस वीडियो के माध्यम में भी देना चाह रहा हूँ। भाई आसान तो है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे गाड़ी चलाना बहुत ही आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और गाड़ी चलाना आसान भी है दोस्तों। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि कितना भी अच्छा आप ड्राइवर बन जाओगे ना मेरे भाई, यहाँ पे मतलब कोई ती लोग को भरोसा नहीं रहता है। अब उनको भरोसा दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। मेरे पीछे आप गाड़ी बहुत देख रहे होंगे मेरे भाई, बहुत गाड़ी आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें आपको मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो नज़र आ रही है दोस्तों, मैं बता दूँ ये जो है ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी है दोस्तों, ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी है। और ये भी आप पीछे दो गाड़ी देख रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग स्कूल की ही गाड़ी है, पीछे दो गाड़ी दिख रहे हैं, ये भी ट्रेनिंग है और ये भी ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी है दोस्तों। इस गाड़ी में होता क्या है, जब आप इंडिया से यहाँ कुवैत में आते हैं, जैसे कि इंडिया से जब कुवैत में आ जाते हैं मेरे भाई, तो यहाँ पे जो है कम से कम मिनिमम 10 दिन तक तो आपको कुछ बात भी नहीं करेंगे, ना तो गाड़ी देंगे कुछ भी नहीं, खाना वाना आपको देंगे 10 दिन तक। 10 दिन के बाद में दोस्तों सीधा वो ट्रेनिंग स्कूल, जो गाड़ी आप पीछे देख रहे हैं ना, उसी ट्रेनिंग स्कूल में ले करके आएंगे दोस्तों। और ये
उसको कुछ पैसे पे करेंगे और उसके साथ में पहले इस अपने एरिया में इनको चक्कर लगवाते हैं। जो ड्राइवर यहाँ पे कितना भी पुराना खिलाड़ी क्यों ना हो मेरे भाई, उससे ये लोग ट्रेनिंग लेते ही लेते हैं, ताकि मतलब ये इनको ये क्लियर हो जाए कि हाँ ये गाड़ी चला लेगा दोस्तों। तो आप अगर थोड़ा बहुत सीखे हैं मेरे भाई, तो आप और थोड़ा सा मजबूत हो जाइए, आइए बिंदास आइए। ईजी तो है लेकिन इनको भरोसा नहीं रहता है, समझ रहे। तो इसके लिए भी आप मतलब आइए, और आने के बाद में यहाँ पे ट्रेनिंग होती है दोस्तों। ट्रेनिंग होने के बाद में आपका लाइसेंस बनेगा, लाइसेंस बनने के बाद में ही गाड़ी दिया जाता है दोस्तों। और हालांकि लाइसेंस अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ का लाइसेंस अगर एक बार आपके पास बन गया और साल दो साल आप अपना निकाल दिए, और निकालने के बाद में अगर आपको कहीं अच्छी जगह सेटिंग हो जाती है, तो या फिर अपने कपिल से ही अच्छा व्यवहार रखेंगे, या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, जैसा आप मैनेज कर लें, तो आप किसी और काम में जा सकते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे एक टैक्सी भी देख रहे होंगे, ये टैक्सी भी दिख रही है। तो एक भाई का कमेंट आ रहा था, मुझे टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा चाहिए। तो भाई मैं उनको बता दूँ कि वैसे नॉर्मली डायरेक्ट टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा नहीं निकलता है ज़्यादातर, अगर निकलता भी होगा तो मुझे नॉलेज नहीं है। बट टैक्सी ड्राइवर जितने भी यहाँ पे काम करते हैं दोस्तों, पहले वो साल दो साल अपना टाइम देते हैं नॉर्मल वीजे पे आकर, जैसे कि कोई हाउस ड्राइवर हो गया, कोई मतलब कोई भी जॉब पे ड्राइवर के जॉब में आते हैं, उसके बाद में टैक्सी ड्राइवर मतलब वो यहाँ पे अपने आप से वो सेटल कर लेते हैं दोस्तों। तो उसके बाद में टैक्सी ड्राइवर का वो जॉब करते हैं। हाँ, टैक्सी ड्राइवर में अच्छा पैसा है दोस्तों। इसका रेंट जो है मतलब एक दिन का 6-7 दिनार टैक्सी ड्राइवर मालिक को देना रहता है, बाकी आप कितना कमा रहे हैं वो आपका ही रहेगा। तो ये अच्छा ऑप्शन है। बट हाँ, आपको 2-4 साल टाइम देना पड़ेगा भाई, 2-3 साल मिनिमम आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप से आपको सेटल करना पड़ेगा। तो ये भी मुझे उम्मीद है कि इसका भी आंसर मिल गया होगा जो भाई मुझे कमेंट किया था। तो टैक्सी ड्राइवर वाला भी आंसर मिल गया दोस्तों। तो इस वीडियो में मैं आप दो लोग को भाई मतलब दो भाई का मैं कमेंट का जवाब दे चुका हूँ। पहला कि ये जो है यहाँ पे जो बोलते हैं बहुत आसान है, उनके लिए मैं बता दिया, आप कितना भी मतलब पुराने खिलाड़ी हों आपके साथ में ट्रेनिंग लिया जाएगा। दूसरा कि जो है टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा के लिए भाई कमेंट कर रहा था, उसका भी क्लियर कर दिया कि डायरेक्टली बहुत मुश्किल होता है टैक्सी ड्राइवर का वीज़ा, लेकिन हाँ अगर आप नॉर्मल वीज़े पे आते हैं साल दो साल काम करने के बाद आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैं पिछली वीडियो में ये भी बोला था कि अगर किसी भाई को वीजे की जरूरत है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, अभी भी मैं यही बोलता हूँ मेरे भाई, और अगर किसी को वीजे की जरूरत है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। बस ये है मेरे भाई कि आपके पास में गल्फ लाइसेंस होना चाहिए और पुराने होना चाहिए। रिटर्न ड्राइवर की जरूरत है मेरे भाई इस समय, क्योंकि मदरसा ओपन होने वाला है और जो बहुत सारे वीजे मतलब खाली हो चुके हैं दोस्तों। तो मेरी आदत है, मैं दोस्तों अपने एरिया में जो भी यहाँ पे कोयती लोग हैं मैं उनसे दुआ सलाम करते रहता हूँ और उनसे मैं इस चीज़ के लिए बोलते रहता हूँ। मेरे व्हाट्सएप पे कई इसे रिकॉर्डिंग है दोस्तों, मैं कभी कोई वीडियो में वो रिकॉर्डिंग भी दिखा सकता हूँ आपको। मैं बहुत सारे कपिल से मैं बात करते रहता हूँ कि अगर आपको ड्राइवर की ज़रूरत रहेगी तो मेरे से बोलना, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं कुछ भी बोलते रहता हूँ दोस्तों। तो वो वीज़ा निकले फिर भी कमेंट कर सकते हैं मेरे भाई। मिलते हैं और एक कोई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें।